Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम और सभी भक्तों के चरण में प्रणाम। और प्रभु जी बहुत सुंदर आपने समझाया, प्रभु जी बहुत सुंदर। जैसे कि ये हम जीव हमेशा बद्धावस्था में है, हमें बद्धावस्था में है, लेकिन हमें भगवान के भगवान को प्रेम करना चाहिए। ये सब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, इसे इसको निभाते हुए भी हमें भगवान के भक्ति करना चाहिए। और फिर आपने जो ये जो बताया प्रभु जी, जो धाम के बारे में, जो तीर्थ में जाते हैं, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उधर जाके हम सिर्फ जाके गंगा में डुबकी लगा के देख चारों तरफ देख के आ नहीं जाए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि उधर जाके हमें श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में, और भक्तों का सेवा करना चाहिए। तो ये दो चीज हमें हमेशा करना चाहिए ताकि भगवान के प्रेम हमें मिले। भगवान खुश होता है अपना भक्त का सेवा करने से ज्यादा खुश होते हैं। तो ये हमें उनसे मिल सकता है। और जो आपने बताया कि भगवान से प्रेम करते हैं तो सबसे ही प्रेम हो जाता है। वो जो कभी कभी सभी पूछते हैं, तुम ये जो नॉन वेज खाना क्यों नहीं चाहिए, तो इसमें से प्रभु जी हम आंसर्स दे सकते हैं कि नॉन वेज हम क्यों नहीं खाते, क्योंकि भगवान से जब प्रेम हो जाता है तो नॉन वेज हमें सभी से प्रेम हो जाता है, क्योंकि हम वो सोचते हैं कि ये सब प्राणियों में तो भगवान है, तो इसीलिए इनको मार के हमें नहीं हिंसा नहीं करना चाहिए, इनसे प्रेम करना चाहिए, इसलिए उनको वो नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए मार के। और फिर अब जो बताया ना प्रभु जी, ये बहुत सुंदर था वीडियो गेम वाला। जो वीडियो गेम्स हम जितना भी लेवल्स ऊपर जाता है, बहुत ही उसका लेवल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें उसको खेलना, उससे निकलना। तो हमें भी हमेशा जितना भक्त ऊपर जाता है उनका भी टेस्ट बहुत ज्यादा भगवान लेते हैं। तो हमें वो जो टेस्ट वो हमें वैसा लेना चाहिए कि भगवान हमें परीक्षा कर रहे हैं, तो हमें ये परीक्षा में भगवान के ऊपर भरोसा रख के हमें जीवन बिताना चाहिए। मतलब वो कभी कभी हो जाता है ना मेरे साथ, क्यों या भक्त होने के बाद होता है, फिर भी उसके मन में ऐसा हो सकता है कि हमारा साथ ये क्यों हो रहा है, हम भक्त है लेकिन, मतलब भगवान को हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन क्यों हो रहा है मेरा जीवन में ये सब, तो कुछ प्रॉब्लम्स होता है। तो हमें ये माया देवी परीक्षा करते हैं। तो अगर हम सही तरह से भक्ति करते हुए भगवान से पूरा भरोसा, आत्मसमर्पण, प्रेम से अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम भगवत धाम और प्रभुपाद जैसे बोले हैं वैसा जा सकते हैं। लेकिन माया देवी हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जीवात्मा हमेशा सब सब आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। अगर थोड़ा भी आसक्ति रहे हम में, तो हमें भगवत धाम जाके सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ये सब होता है। और फिर प्रभु जी, ये जो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम होता है, तो भगवान को हम देख सकते हैं, हमने बताया प्रभु। और सबसे ये भगवान के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है, जैसे कि प्रभु ये थोड़ा मुझे बताएंगे प्रभु, कि मेरा एक प्रश्न है कि भगवान से प्रेम हमें कैसे हो सकता है, सिर्फ क्या हमें मतलब भक्ति तो भगवान के क्या स्वीकृति से ये हो सकता है प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा, थैंक यू माता। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, भगवान से प्रेम कैसे हो सकता है। ये एक्चुअली जो है, जैसे पूज्य गौर गोविंद महाराज जी का उदाहरण दे रहा था कि ये जो है, ये अपने हमारे हृदय में ही ये उत्पन्न होता है, ये
और ये कैसे होगा? ये जब हमारा आसक्ति उस व्यक्ति से बढ़ेगा, भगवान से बढ़ेगा, तो भगवान का प्रेम भी जो हमसे बढ़ेगा, एंड ही विल गाइड अस, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, तो ही नोस, हम कभी उसको चीट नहीं कर सकते, ही नोस ईच एंड एवरी, हमारे हृदय के हर कोने में क्या कामना, क्या काम वासनाएं बैठी हैं, क्या इच्छाएं बैठी, ही नोस। तो वो हम लोग को शुद्ध करते जाना है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम, वो ऐसा नहीं है सडनली हम लोग जो है एक ऐसा हाथ मारेंगे सारा धूल साफ हो जाएगा, नहीं, इट मे टेक इयर्स, इट मे टेक बर्थ्स, एंड इट मे टेक हंड्रेड्स ऑफ बर्थ्स, यू डोंट नो। लेकिन हमको सिंसियरिटी रखना चाहिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ भक्ति में सिंसियरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। अगर सिंसियरिटी अगर है हमारे पास, हम लोग देखते हैं मन बच्चों से व्यक्ति क्यों आकर्षित होता है, बिकॉज ही इज वेरी इनोसेंट एंड इज सिंसियर। वही एक बड़ा व्यक्ति जब वो चापलूसी करता है, हरे कृष्णा धनम प्रपद्यते, तो वी कैन अंडरस्टैंड ये जो चापलूसी करा, तो वो प्रेम ऑटोमेटिकली नहीं होता उससे। लेकिन वही एक छोटा बच्चा जो है वो खुद ही मतलब कुछ नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस एंड हिज सिंसियरिटी, वो खुद ही उसकी तरफ आकर्षित होता। तो वैसे ही अगर हम लोग वो एक चीज हम लोग रखें, सिंसियरिटी ही, मुझे भगवान से प्रेम करना है। और जैसे ये जो जो वीडियो गेम का जो बात बोल रहा था, तो वीडियो गेम्स में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होते जाता है, उधर बचाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन माया का जो गेम है उसमें अगर हम भगवान पे डिपेंड रहेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे वो हाथी पांव रखने वाला था, वो आँख बंद करके बैठ जाते, भगवान आपका इच्छा है तो बचा लो, ओम नमो भगवते वासु, ही टेक्स कर। तो वहां पे वो एक भगवान जो है वो फैक्टर है, वो हमेशा जो है वो देखते हैं, अरे ये लेवल इससे पार नहीं होगा, तो करके वो उसको आगे निकाल देते हैं, हाथी के पांव से निकाल देते हैं, सांप के पिट में से। हम लोग को विश्वास रखना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रहलाद महाराज की तरह सिंसियरली अगर जप करते रहे तो लॉर्ड इज गोइंग टू टेक केयर। फिर हमको अपना एंडीवर नहीं डालना है, हमारा एंडीवर इतना ही है, मैं सिंसियर रहूं, भगवान से प्रेम करूं, भक्तों का सेवा करूं, बस। वो उतना अगर कर लिया तो भगवान फिर खुद जो है हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, वो अगर करते हैं। लेकिन बोलते हैं ना, भगवान से अगर चालूगिरी करेंगे, बोलते हैं ना चलम चलयताम अस्मि, मतलब भगवान से बड़ा चलिया कोई नहीं है। और इतने बड़े बड़े जो डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने कैसे, हम देखा महाभारत में, ही इज मोर एक्सपर्ट देन एनीबडी, ही नोस किसको कैसे कहाँ पे पछाड़ना है। तो हम लोग उनसे ना डुप्लीसिटी और होशियारी से हम उनसे नहीं जीत सकते हैं। तो वी नीड टू बी सिंसियर, भगवान मैं आपका दास हूँ, मैं ये पार नहीं कर सकता, बस। प्रहलाद महाराज की तरह वो सरेंडर रहे, भगवान अवश्य रक्षी बे कृष्ण, जो सरेंडर का जो एक और एक प्रिंसिपल है कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे बचाओ, तो फिर भगवान हमारी रक्षा करें। और फिर वो हम देखते हैं कि कैसे भगवान नरसिंह रूप में आए और कितना कितना प्रेम था वो, जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं भागवतम में दिया है कि कैसा एक बिल्ली का बच्चा एक शेर के बच्चे को शेर कैसे उसकी माँ चाटती है, वैसे नरसिंह देव ही सो मच लव एंड अफेक्शन, प्रहलाद महाराज का सर चाट रहे थे ऐसा अपनी जीभ से लाइक ए लायन। तो दैट ही अट्रैक्टेड प्रहलाद महाराज, तो वैसे भक्त भी जो है वो अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, लेकिन उसके लिए मतलब सुपरफ्लूस ज्ञान और ये सब नहीं। हमारा सबसे पहले तो हम लोग जो है हमारा लेवल क्या है कि हम लोग अभी साधक हैं, हम लोग साधना अच्छी से करें, हम लोग साधना अच्छे से करें, और फिर अनर्थ निवृत्ति जो है धीरे धीरे इसको हम हटाते रहे। अनर्थ निवृत्ति नहीं करेंगे तब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे, से आदव श्रद्धा तथा साधु संगत तथा भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति 90% मेजोरिटी जो है ये अनर्थ निवृत्ति में आके अटक जाते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति जब तक काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य द्वेष ये सब नहीं हटाते तब तक भगवान आकर्षित नहीं होता। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर भगवान का थोड़ा सा ये कोई ये लेवल से आगे जा रहा है, देन ही विल गेट अट्रैक्टेड। सो ये चीज हम लोग करना चाहिए, और इसके लिए हमको नोटिस करना पड़ेगा मेरे में अनर्थ क्या है,
हम लोग अनर्थ ही नहीं देख रहे हैं, कोई बताता है तो भी बोलता है नहीं 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 प्रभु मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो कितना अच्छा हूँ, देखो मैंने ये किया मैंने वो किया, माता जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं माता जी वो कर रहा हूँ. नो, इफ समबडी इज पॉइंटिंग आउट एक्सेप्ट इट, यस प्रभु मेरे में, एंड वो रियलाइज नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और फिर जब अनर्थ निवृत्ति जब होगा तो देन विल क्रॉस दैट लेवल, फिर भगवान हम पे ध्यान देंगे और फिर वो प्रेम भी आएगा जैसे गोपियों का था वैसे. कितना शुद्ध प्रेम था उनका. हरे कृष्ण, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन माता. यस प्रभु, बहुत सुंदर प्रभु अब समझाए. हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद. यस सनातन प्रभु जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, कितना बढ़िया क्लास था एज यूजुअल प्रभु जी. आप मतलब बहुत अच्छी तरह से वो हर एक परपट के हर एक लाइन को बहुत अच्छी तरह प्रभु जी आप एक्सप्लेन करते हो, अच्छा था. और माता जी ने सवाल भी अच्छा पूछा प्रभु जी, आपने आंसर भी बहुत. प्रहलाद महाराज का जो एग्जांपल दिया प्रभु जी, वो एक एब्सोल्युटली मतलब बोलते ना एप्ट है वो, मतलब कि प्यार कैसे है प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए भगवान के प्रति, फिर भगवान उतना ही वो रिटर्न प्यार देते है. तो प्रभु जी ये जो पर्टिकुलर जो श्लोक हम लोग ने पढ़ा जिसमें भगवान बोलते हैं कि सबका अटैचमेंट मेरे साथ होना चाहिए, इसके मतलब इसके एक बहुत अच्छा एग्जांपल हनुमान जी का है प्रभु जी. श्याम रसिक प्रभु जी से वो सुन रहा था, उन्होंने वाल्मीकि रामायण वो बताते ना प्रभु जी, उसमें उन्हें वो स्टोरी बताई थी कि जब सभी मतलब जब राम जी राज्याभिषेक हो गया तो ये सब वानर लोगों ने इतना हेल्प किया था उनको, तो हर एक को कुछ तो देने की इच्छा हो रही थी सीता को, सीता माता को, तो फिर वो सबको कुछ दे रही थी. तो फाइनली उन्होंने हनुमान को, मतलब हनुमान तो एज यूजुअल की जो हो रहा है पूरा, जितना ही राम जी जीते या सीता माता जो मिली वो भी हनुमान जी की कृपा से, तो हनुमान को वो बोलती क्या दूं उसको, तो अपने गले में वो जो एकदम जो मोतियों की माला थी एकदम बहुत ही कीमती बेशुमार कीमती वो मोतियों की माला उसको देती है. तो हनुमान उसको देखते बोलते हैं ये क्या है, मतलब इसको क्या मुझे क्या यूज है, फिर भी दे देते. फिर वो अपने दांतों से वो मोतियों को चबा के तोड़ने चालू कर देते हैं और वो माला को तोड़ देते हैं और एक एक मोती निकल के दांतों से चबाना चालू करते हैं. तो पूछते हैं सब लोग कि बाबा, सीता माता भी पूछती है, राम जी मुस्कुराते हैं, एक्चुअली सीता माता पूछती है क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं क्या है नहीं? इसके अंदर देख रहा हूं कि राम जी और सीता माता है क्या इसके अंदर, अगर राम और सीता इसमें नहीं है तो इसका क्या यूज है मेरे लिए, इसका कुछ यूज नहीं है. तो वो जो फिर उधर के जो कोर्टयार्ड में जो बैठे हुए लोग रहते हैं वो उनको मतलब ये बोलते हैं कि यार ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया. तो फिर उसमें से एक बोलते हैं कि क्या आप इतना मतलब मोतियों को तोड़ तोड़ के देख रहे हो जिसमें राम सीता है, क्या तुम्हारे दिल में तुम्हारे हृदय में है क्या? तो और तभी वो फाड़ के दिखाते अपने पूरा हृदय और उसमें राम सीता दिखते है सबको. तब मतलब वो सभी लोग बोलते ना पूरे एकदम चुप हो जाते हैं और पूरा एकदम नतमस्तक हो जाते हैं राम जी इसके सामने. और यहाँ पे मतलब वो तो मतलब हम लोग बोलते हैं कि अटैचमेंट भगवान से जो होती है वो हनुमान जी का दिखाता है, फिर राम जी का अटैचमेंट हनुमान से जो है कि जब लोग सब जब निकल जाते हैं, मतलब राम जी सीता माता हर एक को इंडिविजुअली मिलते हैं, इंडिविजुअली हर एक वानर को मिलके उनको बोलते है जाते और सब लोग चले जाते, लेकिन वो हनुमान को नहीं बोलते कि आप जाओ करके. और हनुमान जी मतलब इतने खुश होते कि राम जी ने अपने पास ही रखा. तो ये जो मतलब दोनों का जो भाव है एक दूसरे के प्रति, ये मतलब इतना पावरफुल एग्जांपल है भगवान का भक्त के प्रति प्यार और भक्त का भगवान के प्रति प्यार. तो जस्ट मैं बोला कि एक ये एग्जांपल इसको श्लोक के ये कर दूं. थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु, वंडरफुल एनालॉजी भैया, वंडरफुल एग्जांपल है हनुमान जी का, कितना प्रेम था, वो रियली सुपर. मतलब सभी लोग मतलब आश्चर्यचकित थे कि ये क्या मतलब बंदर जैसा हरकत कर रहा है, सब एक एक माला तोड़ रहे, सीता मैया ने माला दिया है ये क्यों ऐसा कर रहा है. बट जब उन्होंने अपना जब पूछा तो उन्होंने छाती फाड़ के दिखाया, तो एवरीबडी वॉज अमेस्ड वंडरिंग भाई सही में मतलब कितना इसका प्रेम है. तो देर आर ऑल सुपर सुपर कैटेगरीज ऑफ डिवोटीज जो मतलब इतना प्रेम है भगवान के प्रति, और भगवान का भी वैसे ही प्रेम होता है. इवन महाभारत में भी हम देखते हैं कि जब अर्जुन सो जाता था युद्ध में थक के, तो भगवान खुद उनके घोड़ों की मालिश करते थे उसकी. और वी कैन सी कई अलग अलग जगह पे मतलब
पितामह भीष्म से प्रेम था, तो कैसे उनका उनको रेसिप्रोकेट किया। वो बोलते ठीक है चल मैं मेरा वचन तोड़ता हूँ तेरे। सो देर ऑल सुपर सुपर, द्रौपदी है। तो पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज कि लॉर्ड इज रेसिप्रोकेटिंग, जैसे भगवान बोलते हैं चौथे अध्याय में, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, और वो उतना ही दिखाएंगे जितना जितना अगर हम एक स्टेप करेंगे तो वो एक स्टेप लेंगे, तो हम अगर 100 स्टेप ले रहे तो वो भी 100 स्टेप लेंगे। तो अब भगवान स्टेप नहीं ले रहे, अगर एक स्टेप ले रहे तो मुझे समझना चाहिए मैं एक स्टेप ले रहा हूँ। तो नाउ इट इज माई ड्यूटी, माई एंडीवर कि मैं कैसे उस स्टेप्स को बढ़ाऊं, मैं कैसे उस जो 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 आइडेंटिफाई करूं क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे इसको मैं सब जो भी अनर्था है इसको हटाऊं, एंड देन जब इसको निकाल के जब आगे बढ़ते रहेंगे देन लॉर्ड विल आल्सो कीप कमिंग अहेड। थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ हनुमान जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक जस्ट एक पॉइंट था अभी अपने ये, मतलब अभी हम लोग को क्लिक हो गया, आपने वो बोला ना कि अगर भगवान एक स्टेप ले रहा है इसका मतलब समझने का कि हम लोग ने एक स्टेप लिया है, ये भी बहुत मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब ये एग्जांपल इंट्रोस्पेक्शन करने का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। और प्रभु जी आपने वो जो कुत्ते का एग्जांपल दिया ना, तो अमेजिंग था प्रभु जी, अमेजिंग एग्जांपल था, क्योंकि अभी मतलब तभी हम लोग, मैं तुरंत बाकी के पूरे जंगल वगैरह के बाकी के सब मतलब प्राणियों के से, मतलब वो जो बॉडीली अटैचमेंट रहते हैं, शेर को भी अपने इलाके में दूसरा शेर चलता नहीं है, वो भी एक दूसरे को मारते है, मतलब वाघ जो है वाघ में। तो ये इतना पावरफुल एग्जांपल है कि बॉडीली अटैचमेंट के वजह से इंसान इतना मतलब प्राणी इतने ये है, और इंसान भी बोलता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड करके बोर्ड भी लिखते हैं कि अपनी जमीन है या अपने जमीन पे कोई आना नहीं चाहिए। तो ये कितना मतलब ये पर्टिकुलर इस मतलब कलयुग में हो या फिर पृथ्वी में आके मतलब माया की झपट में आके हम लोग एब्सोल्यूट पूरा का पूरा भूल गए। एंड अच्छा लगता है प्रभु जी हमारा ये डेली का जो लेक्चर है प्रभु जी वो आई ओपनर रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता है, और भले वो चीज हम लोग को मालूम रहती है बट कंटिन्यूस रिइटरेशन कंटिन्यूस उस पर पॉलिशिंग करते 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 एटलीस्ट वन डे एटलीस्ट वो पूरा पॉलिश होते रहेगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। तो ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली मैं जब ऐसा कुत्ते को घुर्राते हुए देखता ना जब ऐसा, तो आई मीन इट कनेक्ट, बोले अरे कितना इसमें ईगो है देखो। ये कितना मतलब कोई आया हुआ भी इसको पसंद नहीं है। सो इज सो मच इनटू बॉडीली कंसेप्ट। तो या दैट्स नाइस हम लोग या हरे कृष्णा। यस अमित प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो जो आप गंगा जी नहाने का जो आप एग्जांपल दे रहे थे, जो बता रहे थे, वो उसका वो एक पॉइंट था जो मैं भूल गया था। वो एक्चुअली सबको मिसकंसेप्शन है कि वहां पे जाके नहा लिए और हमारा सब पाप धुल गया, बट वहाँ का जो महत्व है और जो कुंभ का महत्व है और जो वहाँ पे वो उस प्लेस का क्या महत्व है, वो उसके बारे में कोई जानने को इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो जब भी वहां पे जाए तो प्रभु जी बता रहे थे कि वहाँ के सिर्फ गंगा नहीं नहाए, वहाँ के वहाँ के प्लेस के महत्व के बारे में भी जाने और उसके बारे में श्रवणम भी करें। एक तो वो था, और एक और पॉइंट था प्रभु जी, एक अभी आपने बताया जो ये कुत्ते का एग्जांपल, वो भी बहुत ब्यूटीफुल था, बट प्रभु जी एक और एग्जांपल दे रहे थे लाइक कि मोस्ट ऑफ द जो क्राइम्स होते हैं और वो अपने लव्ड वन के साथ ही होते हैं, और मोस्टली इवन वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ऐसा है कि गैंगस्टर और टेररिस्ट और ये सब जितने मर्डर्स और क्राइम्स नहीं करते उतने हमारे लव्ड वन ही करते, और वो होता है ईगो की वजह से। बिकॉज प्रभु जी बता रहे थे कि लव एंड हेट दोनों भी सेम एक ही कॉइन के पार्ट है, तो जितना ये डीप लव होगा उतना ही डीप हेट भी होता है। तो हम अपने ईगो की वजह से जैसे वो कुत्ता घुराता है वैसे हम अपने लव्ड वन के प्रति भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। तो यही बस ऐड करना था प्रभु जी। या करेक्ट, ये जितना भी क्राइम्स जो भी है, जितने मर्डर्स हो रहे हैं, इवन जैसे मैं हमेशा वो श्रद्धा वालकर और आफ्ताब का केस लेता हूँ,
या अरे ऐसे कितने सारे मैं मतलब न्यूज में सब मोबाइल पे न्यूज फ्लैश होते रहते तो आई एम जस्ट अमेज्ड कि कितना क्राइम और कितना ये हो रहा है। तो या जो आदमी जिससे जितना प्रेम करता है वो जब इसकी बात नहीं सुनता तो वो उतना ही हेट उसके प्रति उत्पन्न हो जाता है। बट मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट करना चाह रहा था, जस्ट वांटेड टू नोट, मतलब बताना चाहता हूँ कि दिस इज मटेरियली, लेकिन स्पिरिचुअली जो व्यक्ति प्रेम करेगा वो कभी हेट नहीं करेगा, भले वो कितना भी। जैसे भगवान का हम उदाहरण देखे, हिरण्यकशिपु है या हिरण्याक्ष है, कितना नफरत, शिशुपाल बेस्ट एग्जाम्पल, शिशुपाल वो कितना हेट करता था भगवान से, कितना द्वेष था, कितना नफरत, हर बात पे ये क्या ग्वाला है, दूसरों के पत्नियों के साथ घूमता है, ये और वो रुक्मिणी का जब हुआ तो ही जस्ट हेटेड। लेकिन भगवान ने कभी ऐसा नहीं, अच्छा ठीक है अब मैं तेरे को देखता हूँ, नहीं, स्पिरिचुअल लव इज बियॉन्ड, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। मटेरियल लव ठीक है वो जब नहीं, और वो क्यों होता है उसका मटेरियल लव हेट में क्यों बदलता है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। तो काम उसका इच्छा है, दैट इज नॉट रियल लव। जो आफ्ताब का था दैट वाज नॉट रियल लव, उसका लस्क था, उसका उसको लगता था मैं इसको यूज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जिसको भी लगा मैं इसको यूज करूंगा। जब लस्ट था वो जब ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब वो नहीं सुना, जैसे भगवान कहते हैं कामत क्रोधो भी जायते, जब नहीं पूरा होता तो फिर turns into anger and that is natural, that is for material love. But spiritual, जैसे चैतन्य चरितामृत का, सॉरी मैं थोड़ा टाइम लिया, चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, वी ऑल एवरीबडी नोस, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरी प्रेम ना। तो भगवान का जो, भगवान से प्रति जो प्रेम है या भगवान या स्पिरिचुअल लव है दैट इज ट्रांसेंडेंटल, वो कभी वो लस्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन अपने इंद्रियों के लिए जो मटेरियल वर्ल्ड में जो लव है, इसके लिए प्रभुपाद जी की रिमेम्बर, हम लोग कई बार प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अगर लव का एग्जांपल देखना है तो इन मटेरियल समवेयर क्लोज इज इज मदर्स लव। वो बच्चा कुछ भी करे, वो उसको मतलब वो बूढ़ी हो जाए, उसको घर से निकाल दे बुढ़िया को, लेकिन माँ का प्रेम कभी भी उसके प्रति चेंज नहीं होता। वो कभी नहीं सोचेगी अरे मैंने तो इसको इतना जन्म दिया, मैंने इतना दूध पिलाया, मैंने इसके लिए ये किया वो किया, ये अब मेरे को ऐसा करा तो मुझे कुछ करना नहीं। तो स्पिरिचुअल लव, दिस इज मदर्स लव इज समवट क्लोज, लेकिन स्पिरिचुअल लव इज समथिंग ट्रांसेंडेंटल। तो ये आई जस्ट वॉन्टेड टू हाईलाइट दिस कि मटेरियल लव में और स्पिरिचुअल लव में फर्क होता है। एंड हम लोग जब भक्तों के बीच में रहते हैं तो आपस में मन मुटाव क्यों होता है, क्यों, बिकॉज दैट इज नॉट लव। अरे मैं तो मुझे इसे ये चाहिए, मैं इसे हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु, लेकिन जैसे पूरा नहीं होता बात किसी काम का नहीं है मेरे, गाली देना शुरू, दूसरे चार लोग को बोलना शुरू कर देते, देखो ये फालतू है, ये इसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ, दैट इज वाई, बिकॉज दैट इज नॉट लव, एंड दैट लव इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस स्पिरिचुअली। भगवान भी देखते हैं, जैसे मैं बोला था ना कि छलम छलेता हम उसमें, हम भगवान को उल्लू नहीं बना सकते ऐसा झूठा प्रेम दिखा के। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू बी हैविंग प्योरिटी, वी नीड टू बी हैविंग दैट प्योर कॉन्शियसनेस। उस प्रेम से जब हम अप्रोच करेंगे तो ऑटोमेटिक वो भले हमसे प्रेम नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको प्रेम करना है। इसीलिए बोलते हैं ना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदाहरी, तुम प्रेम मत करो ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं मान देता हूं, और वो भी अगर शुद्ध होगा तो वो भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करेगा। और फिर ऐसे लोग जो है दे फॉर्म टुगेदर एंड ये फिर साथ में रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि लाइक माइंडेड पीपल, अगर कोई द्वेषी है और कोई प्रेम करने वाला है वो कभी नहीं जमेगा, वो 6 महीना साल भर 2 साल बस खत्म हो जाएगा, फिर वो इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। बट इफ इट्स ट्रू लव, वो भले कभी जैसे बोलते हैं ना कि मटेरियली ही बोलते हैं, भले हम बात नहीं करें बट जब भी मिलते हैं दैट इज प्योर लव। सो दैट इज, तो ये एक फर्क जस्ट आई वांटेड टू हाईलाइट। हरे कृष्णा, ओके आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दिस नाइस जर्निंग। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।